5 एकड़ जगह की कोई वो हमको कोई जरूरत नहीं है। जो इंसाफ होना चाहिए तो इंसाफ की बात है, जगह तो हिंदुस्तान के अंदर हजारों करोड़ हजारों एकड़ जगह पड़ी हुई है। हम जगह के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग इंसाफ के लिए और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। तो डेमोक्रेसी तभी बच सकती है हिंदुस्तान के अंदर जब सही तरीके से इंसाफ होगा, चाहे वो मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो। हिंदुस्तान की जो अदालतें हैं उन्होंने जो है तो मेजोरिटी और माइनॉरिटी को देखकर फैसले नहीं लेना चाहिए, बल्कि सबूतों के और आधार के बिना पर जो है तो इंसाफ होना चाहिए। यही जो तो पूरे इसका दुनिया का पूरा तकाजा यही है, इंसाफ इसी तरीके से होना चाहिए। जब तक हमको इंसाफ नहीं मिल जाता हम तब तक ये तो लड़ते रहेंगे। नाम बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद जुबैर पहलवान, मैं SDPI का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ औरंगाबाद। चाहे तुम जितना जोर लगाओ मस्जिद भाई बनाएंगे, चाहे तुम जितना जोर लगाओ मस्जिद भाई बनाएंगे, राजी गोली भी चलाओ मस्जिद भाई। ये 1612 तक 1612 के बाद अंग्रेजों ने कुछ गद्दारों के इंडिया के गद्दारों के साथ मिलकर के इंडिया पर कब्जा किया। 335 साल तक उनकी दौरे हुकूमत में भी बाबरी बाबरी मस्जिद ही रही। लेकिन आज की जो इंडिया की इजराइल है, आज जो दहशतगर्द हुकूमत यहां बैठी हुई है, आज जो इंडिया के अंदर हुकूमत करने वाले कारिंदे इजराइल की उंगलियों पर नाचते हैं, वो कारिंदों ने अंग्रेजों के एक चाल चली कि हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और गवर्नमेंट के ऊपर हुकूमत करो। लेकिन इनको ये नहीं मालूम है कि यहाँ के नागरिक, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के बसने वाले ये सेकुलरिज्म को मानने वाले हैं, ये यहाँ के संविधान पर यकीन करने वाले हैं। 9 नवंबर का जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से आज पूरे मुल्क भर में 6 दिसंबर 2020 को आज पूरे मुल्क भर में धरना आंदोलन मुनाकिद किया गया है। और इस धरने आंदोलन का, इस प्रदर्शन का मकसद ये है कि बाबरी मस्जिद को इंसाफ दिलाना और बाबरी मस्जिद की जो जगह है तो वो वापस जो तो इस मस्जिद की जगह मस्जिद ही होना चाहिए, यही इंसाफ है। और इस आवाज़ को लेकर हम जो तो पूरे मुल्क भर में शहरों पर सड़कों में उतरे हैं। और हमारी डिमांड ये है कि जो बाबरी मस्जिद है, तो जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर ये कहा गया कि किसी भी मस्जिद के ढांचे को, किसी भी मंदिर के ढांचे को तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है। और इसके साथ साथ जो है तो 1949 में जो वहाँ पर जो तो दीवार को फलांग कर जो मूर्तियाँ रखी गई थी वहाँ पर, तो वो मूर्तियों को भी जो तो रखा गया है बोलकर जो तो इस बात को भी तस्लीम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। और जो मस्जिद का ढांचा है उस मस्जिद के ढांचे को भी गिराया गया है, ये भी जो तो तस्लीम किया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो जब ये मस्जिद के ढांचे को गिराया गया है तो फिर वो उसके जो खातिल है, जो गिराने वाले लोग है, तो वो बेशक जो तो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने वाले लोग है। मुल्क की जो जमहूरियत का जो बाबरी मस्जिद जो है सिर्फ एक मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि ये जो तो हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है, एक डेमोक्रेसी का एक अलामत है और एक जो तो हिंदुस्तान की एक पहचान थी। तो उस मस्जिद को गिराना यानी कि जो है तो जमहूरियत को गिराने के बराबर था। तो 6 दिसंबर 1992 को पूरे जो तो दिन दिवाले जो है पूरे मीडिया के सामने, पूरे पुलिस फोर्स के सामने, संघ परिवार के जो गुंडे हैं, जो कार सेवक जिनको कहा जाता है, उन लोगों ने जो है तो खुले आसमान के नीचे ये घिनौना काम किया, डेमोक्रेसी को, जमहूरियत को जो तो तार तार किया और मस्जिद को जो तो शहीद किया। तो इस हमारी ये डिमांड है कि ये मस्जिद जो तो शहीद की गई है तो फिर वापस मुसलमानों को और मस्जिद को इंसाफ क्यों नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये माना है कि मस्जिद की जगह है और मस्जिद ही थी वहाँ पर, कोई मंदिर के जो तो वहाँ पर कोई वो नहीं था, सुराग नहीं मिला, तो फिर क्यों जो तो आस्था को जो तो ध्यान में रखते हुए जो तो फैसला किया गया। इंसाफ की बुनियाद पर फैसला होना चाहिए था, ये हमारा जो तो कहना है। इसलिए आज इस डिमांड को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI आज पूरे मुल्क भर में जो है
जो सड़कों पे उतरी है, और हम जो तो लोगों को ये बार बार याद दिलाना चाहते हैं कि इंसाफ नहीं हुआ है अभी, और हम इंसाफ के लिए जो तो बार बार आवाज़ उठाते रहेंगे, और इसके लिए जो तो जद्दोजहद करते रहेंगे डेमोक्रेटिक तरीके से। हम आवाम को जो तो वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस।